दोस्तों, इस वक्त दुनिया के हर शख्स की जुबान पर बस एक ही शब्द है और वो है कोरोना वैक्सीन। आखिर ये वैक्सीन कब आएगी? सबसे पहले कौन बना लेगा? भारत में मार्केट में कब तक अवेलेबल हो जाएगी? अगर हम इसे साल 2020 का सबसे बड़ा सवाल भी कह दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और इस वक्त दुनिया भर के वैज्ञानिकों के साथ साथ भारत की कंपनियां भी इसकी खोज में जुटी हैं। फिलहाल भारत के दो टीके ह्यूमन ट्रायल की ओर आगे बढ़ चुके हैं। फिलहाल जिस वैक्सीन की चर्चा सबसे ज्यादा है उसका नाम है कोवैक्सीन, जिसे हैदराबाद की भारत बायोटेक ने ICMR के साथ मिलकर बनाया है। इसी हफ्ते से इसका क्लिनिकल ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। कोवैक्सीन के पहले दो क्लिनिकल ट्रायल के लिए 1100 लोगों का नाम तय किया गया है। पहले फेज का ट्रायल इसी हफ्ते से शुरू हो जाएगा। अस्पतालों को 7 जुलाई यानी आज तक ही इसकी पूरी तैयारी के ऑर्डर्स थे, यानी अब किसी भी वक्त इसका ट्रायल शुरू हो सकता है। तो दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है कि इतने कम समय में भारत के वैज्ञानिक इस स्टेज तक पहुंच गए हैं। वैसे आपको बता दें कि भारत की 6 कंपनियां कोरोना टीका बनाने पर काम कर रही हैं। दुनिया भर में कुल 11 वैक्सीन ऐसी हैं जिन्हें ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन दोस्तों, भारत के करोड़ों लोगों की नजरें केवल कोवैक्सीन पर टिकी हैं। और दोस्तों, हम इस वैक्सीन के बारे में आपको हर वो अपडेट देने वाले हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि हिंदुस्तानियों की जान बचाने के लिए हमारे वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी कोशिश है और इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। कैसे होगा पहला क्लिनिकल ट्रायल? कोवैक्सीन के पहले ट्रायल में 375 लोग होंगे जिन्हें 125 की 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। सभी को वैक्सीन की 2 डोज दी जाएंगी। दूसरी डोज 14 दिन के बाद दी जाएगी। इसके बाद नतीजे दूसरे फेज के ट्रायल की ओर आगे बढ़ जाएंगे। इसके लिए 750 लोगों का नाम तय किया गया है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक के मुताबिक पहले फेज के ट्रायल में 28 दिन का वक्त लगने वाला है, यानी अगर 18 तारीख से पहले ट्रायल शुरू हो जाता है तो भी 15 अगस्त को उसका पहला ट्रायल ही पूरा हो जाएगा। और बड़ी बात यह है दोस्तों कि इसी डेट को लेकर भारत में बड़ी बातें हो रही हैं। एक्सपर्ट्स सवाल कर रहे हैं कि भारत में फिर 15 अगस्त की डेडलाइन सरकार ने क्यों तय कर दी? यानी क्या भारत में वैक्सीन को लॉन्च करने के लिए साइंस को ही ताक पर रख दिया जाएगा, क्योंकि 15 अगस्त तक दूसरे और तीसरे फेज का ट्रायल होना ही संभव नहीं दिख रहा। दोनों में महीनों या साल लग सकते हैं, ये बड़ी बात है। हालांकि भारत बायोटेक ने अपने पत्र में 3 महीने से लेकर 1 साल तक के वक्त की बात कही है। हालांकि मोदी सरकार और ICMR पहले ही इच्छा जता चुके हैं कि वैक्सीन 15 अगस्त को लॉन्च कर दी जाएगी। इसके लिए ICMR ने बाकायदा इंटरनेशनल प्रोसीजर्स और आधुनिक तकनीक का हवाला दिया है, यानी कुछ भी गलत नहीं किया जा रहा है। लेकिन कोरोना के टीके पर खुद सरकार भी कंफ्यूजन में है। विज्ञान मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि 2021 तक दोनों वैक्सीन में से कोई वैक्सीन सामने नहीं आ सकती है, लेकिन बाद में ये बयान हटा दिया गया, जिसके बाद और सवाल खड़े होना शुरू हो गया। ICMR ने विकसित किया वायरस स्ट्रेन। इस वैक्सीन के लिए वायरस के स्ट्रेन को स्वदेशी तकनीक से विकसित करने में ICMR को बड़ी सफलता मिली। ये वायरस शरीर के अंदर कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी डेवलप करेगा। इस क्षमता को विकसित करने वाला ICMR विश्व के चुनिंदा 5 संस्थानों में से एक है। ICMR ने भारत बायोटेक के सहयोग से कोरोना की वैक्सीन बना ली है और भारत सरकार की ओर से वैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी भी मिल चुकी है। इसके बाद भारत बायोटेक ने ट्रायल के लिए डॉक्टर्स की टीम का चयन कर लिया है, जिसमें दिल्ली, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, तेलंगाना, ओडिशा,
गोवा के अलावा उत्तर प्रदेश के डॉक्टर्स को इंक्लूड किया गया है। अब तक मिली है 100% कामयाबी। हैदराबाद की भारत बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का दावा है कि ICMR यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर उसने COVID-19 के लिए भारत की पहली वैक्सीन को सफलतापूर्वक विकसित किया है। भारत बायोटेक को क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मिलने से पहले उसने 100% पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे हैं। ये बड़ा दावा है दोस्तों, क्योंकि जो बाकी वैक्सीन्स भी हैं उनको भी 100% रिजल्ट्स नहीं मिले थे। कंपनी ने जानवरों वाला ट्रायल चूहों और खरगोशों पर किया है। इन नतीजों को देखकर देश के वैज्ञानिक बेहद उत्साहित हैं। अब इंसान पर ट्रायल के लिए मोदी सरकार और ICMR ने वैक्सीन के ट्रायल के लिए देश के 15 संस्थानों को चुना है, जिसमें दिल्ली और पटना के एम्स भी शामिल हैं। सभी चयनित संस्थानों को 7 जुलाई तक यानी आज की डेट तक सभी जरूरी प्रोसीजर्स कंप्लीट करने के ऑर्डर्स जारी किए गए हैं। इन वैक्सीन पर भी हैं भारत की निगाहें। देश में भारत बायोटेक के साथ साथ गुजरात की कंपनी जायडस कैडिला ने भी कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया है। इसका नाम ZyCoV-D रखा गया है। इसे भी कोवैक्सीन की तरह है ट्रायल की मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि देश में फिलहाल 6 वैक्सीन कंपनियां इस दिशा में जुटी हुई हैं। वहीं इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो कोरोना वैक्सीन की लिस्ट में सबसे आगे ब्रिटेन की ZYCOV-1 का नाम है। इसे स्वीडन की कंपनी AstraZeneca और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाया है। बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये वैक्सीन है उसका प्रोडक्शन भारत की कंपनी कर रही है। भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ये वैक्सीन भारत में प्रोड्यूस करेगी। फिलहाल इस वैक्सीन का ट्रायल ब्राजील और साउथ अफ्रीका में 3rd phase के लिए चल भी रहा है। ये कंपनी अक्टूबर से वैक्सीन देना शुरू भी कर सकती है। वहीं भारत को बड़ी उम्मीदें अमेरिकन कंपनी मॉडर्ना इंक से भी है। मॉडर्ना कंपनी की mRNA 1273 मई से चर्चा में है। कंपनी इस महीने phase 3 का ट्रायल कर रही है। अब सब कुछ ठीक रहा तो ये वैक्सीन 2021 के शुरुआत तक तैयार हो सकती है। हालांकि कंपनी ने कहा है कि वो इससे पहले भी ये वैक्सीन दे सकती है। तो दोस्तों ये थी हमारी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट जो हमने आपको दी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इसे शेयर और लाइक जरूर करें। साथ ही चैनल को इस तरह की खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।